48 दे रखा है अभी कौन सा? अच्छा अभी कौन सा पे आता है? अब सर ये प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है, कितने दिन की? अभी ये थोड़ा सा बीच में। इसकी क्या खासियत है जी? इसने 55 लीटर दूध दिया सर। अच्छा 55 लीटर इसने दूध दिया। 55 लीटर दूध सर। अच्छा अभी कौन सी ब्यात में है ये जी? अब सर ये तीसरे में है। तीसरे में है। जैसे पशु की मतलब अगर सही बॉडी बनी रहेगी तो उसे 4-5 ब्यात में कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा ये हमारी गाय इसमें जी प्रेग्नेंट है। ये प्रेग्नेंट है सर। ये जो है ये 40 लीटर पे जाएगी। अच्छा नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस बड़े डेयरी फार्म में मैं आपको एक खास चीज़ दिखाने वाला हूँ, यानी कि मुक्तसर की जो चैंपियन गाय है उसके बारे में मैं दिखाने वाला हूँ, और साथ में इस डेयरी फार्म के मैनेजमेंट के बारे में दिखाऊंगा, कितना दूध का प्रोडक्शन होता है और दूध कैसे सेल होता है। अभी इनका टोटल 700 का दूध का प्रोडक्शन होता है, और 700 दूध कैसे सेल कर देते हैं, कैसे शुरुआत किए थे सेल करना, हर एक चीज़ हम वीडियो में जानेंगे। और काफ़ी आपने जो इसके पहले देखा छोटी छोटी क्लिपिंग जो पशु की, तो 48 लीटर 40 लीटर की इन्होंने पशु रख रखी है, कैसे रख रखी है और कितनी पशु कितनी हीफर्स है, सारी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो प्लीज़ आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं आपको वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले अपडेट्स आपको मिले। तो आइए मैं यहाँ के ऑनर से बात कराता हूँ, मिस्टर आदेश कुमार जी से, जो कि काफ़ी अच्छी जानकारी दे चुके हैं पिछले वीडियो में, और आगे इस वीडियो में भी काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे नए पशुपालक भाइयों के लिए एक काफ़ी अच्छा संदेश इन्होंने दिया है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वीडियो को अपन तक जरूर देखिएगा, और जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर ले, यानी कि आपने नहीं कर रखा है सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए मैं ऑनर से बात करता हूँ। अब हम थोड़ा सा आते हैं आपके फार्म पर जी सर। टोटल कितनी पशु है गाय और भैंस लेकर? सर ये लगा लो मेरे फार्म पे करीबन समथिंग 100 पशु के आसपास है जी। दूध देने वाली कितनी है? दूध देने वाली सर 45 तो गाय है मेरे पास। अच्छा 45 दूध दे रही है। हाँ जी 45 दूध दे रही है सर। और भैंस? उसमें भैंस में सर मेरे पास में अभी भैंस में कम है दूध, थोड़ा करीबन 18 है भैंस दूध दे रही है। कितना दूध निकाल लेते हैं? करीबन सर ये मान चलो कि 4 क्विंटल दूध निकल रहा है एक टाइम में, चार ये मान लो चार एक टाइम में 3-7 क्विंटल के आसपास 7 क्विंटल दूध निकाल लेते हैं। हाँ जी सर। अच्छा 7 क्विंटल दूध क्या सेल करने में दिक्कत होता है? नहीं सर ऐसा होता है कि जो हमारे जो लोकल के दूधिया हैं जो सप्लाई कर रहे हैं जी जी वो अच्छे रेट में ले जाते हैं उठा के। अच्छा। क्योंकि उन्हें सप्लाई करनी होती है। हाँ। वो इससे डायरेक्ट ले जाएंगे। हाँ। कुछ मार्जिन पे जो है कुछ नोएडा से भी लेके जाते हैं लोग। हाँ। कुछ दूर से और हमारे आस पड़ोस के जो एनसीआर में जो जी, 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 लोग हैं फ्लैटों में जो रह रहे हैं। हाँ। उन्हें दूध मतलब यहाँ से ले जाएगा डायरेक्ट पिलाते हैं सर। किस रेट से दूध जाता है सर? तो सर वो जो फुटकर वाले हैं सर 40 रुपए लीटर लेके जा रहे हैं। 40 रुपए लीटर गाय का दूध। उसके अलावा दूध के अलावा क्या पनीर वगैरह भी बेचते हैं क्या? नहीं सर अभी अभी हमारे यहाँ ये सब चीज पर अभी तक नहीं, अभी तक यहाँ तक क्योंकि अच्छा। सर मैं बोल रहा था कि मार्केट में थोड़ा सा अभी किसान थोड़ा ढीला है, परेशान है जी, जी, जी। थोड़ा सा इस तो होना बहुत जरूरी है क्योंकि पैसा तो उसी से आना है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल पैसा तो उसी से आना है। तो क्या 40 के हिसाब से बेच करके मुनाफा हो पाता नहीं हो पाता सर? ये एक सबसे बड़ा इशू है। नहीं सर अगर हमारा पशु दूध में सही है। हाँ हाँ। अगर दूध में हमारा लूज हो गया दूध में या हल्का रहेगा दूध में जी, जी। तो एवरेज नहीं आता। अच्छा, अच्छा। अगर दूध में अगर हमारा सही एवरेज 30 लीटर का पशु है तो एवरेज आ जाएगा। अच्छा आ जाएगा। हाँ हम अच्छी डाइटिंग वाइटिंग देने के बाद में उधर जो है अगर उससे दूध में हमारे दिक्कत होगी रुक नहीं पाया अच्छा पशु आगे का नहीं हो पाया अच्छा और साल भर मतलब रिपीट मार दिया तो फिर बैलेंस खराब होता है किसान का मतलब। हाँ जी सर ये तो समस्या बनती है भाई, 1 लाख का पशु लाए गए और लात मार दी मतलब खत्म, तो मान लो जी खत्म कर दिया 1 लाख रुपए की लात मार दी जी। तो सर ये है कि जो रेगुलर अगर दूध है तो 40 में आ जाएगा अगर प्रोडक्शन अच्छा है। अच्छा है तो हाँ सर उसमें आ जाएगा। तो अब देखते हैं सर ये कि आप जो नए पशुपालक लोग डेयरी फार्म को करना चाहते हैं जी सर, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं ये सलाह देना चाहूंगा अपने नए पशुपालकों को भाई को कि वो 10 या 5 अपने थोड़े से स्टार्ट करें, जितनी कैपेबिलिटी जितनी उसकी कैपेसिटी है उन्हें अच्छे से रखे, पशु को देख के लावे, ये ना करे कि भाई मुझे उसमें लालच ना करे, लालच उसमें देख के चाहे 10 रुपए महंगा भी आ जाओ लेकिन सही पशु आ जाओ जी जी। उससे क्या है कि हमारा 2 की जगह 1 आ जाओ, अच्छे पशु लाओ उससे अपनी ब्रीडिंग करो, उससे धीरे धीरे आगे बढ़ो, अपनी ब्रीडिंग करनी बहुत जरूरी है। वो जरूरी है जी। अच्छा देखो उसके बिना तो काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा ये उससे, क्योंकि अभी देखो कोई भी डेयरी फार्म वाला अच्छे पशु देगा नहीं। अच्छा। जब तक हमारे पास अच्छे पशु नहीं आएंगे जब तक हमें कैसे मतलब इनकम ले पाएंगे देंगे? सही बात है। तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छे लाओ, मिलेंगे अच्छे भी क्योंकि जिनके पास मतलब जिनके पास जो है पूरा हो चुका तो बेचेंगे अपने, तो उनसे अच्छे पशु लाओ, वो अच्छे पशु लाकर देख रहे हैं थोड़े से स्टार्ट करें, उन्हें अच्छे से कंट्रोल करके जब उनका दूध भी सेट होगा वो भी सेट होगा जब अगला कदम रखे तो कोई दिक्कत नहीं आगे डेयरी में। अच्छा हाँ सर तो उसमें बहुत सी दिक्कत आई है हमारी जो पिछली योजनाओं में। अच्छा उसमें जो डेयरी बंद होने के कारण बहुत से बने एकदम बंदवा दिए लोगों की, दूध की व्यवस्था नहीं हो पाई, चारे की व्यवस्था नहीं हो पाई, बेचने की व्यवस्था नहीं हो पाई लोगों की, उधर जो है
पशु पूरे संख्या पूरी करवा दी, दूध दे रही थी लेकिन संख्या पूरी करवा दी सर उनकी, तो संख्या बढ़ाने में क्या फायदा सर? अच्छा, सबसे मजा किस मौसम में आता है डेयरी फार्म में सर? सर देखो अलग अलग होते हैं इनके, जो हमारा जो पोर्टर अभी अभी जो सर्दी वाला जो गायों के लिए होता है सर, गायों के लिए होता है सर अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यानी अप्रैल तक मान लो, अप्रैल तक गाय का तो सर अक्टूबर से अप्रैल तक बहुत अच्छा पीरियड होता है जो उत्पादन के लिए, क्योंकि इसमें जो है क्या है सर, गाय दूध ज्यादा देती है और पोर्टर फैक्ट्री और प्लांट में इकट्ठा डाल दिया। अच्छा अच्छा हाँ, और जो हमारा जो एनसीआर वाला जो क्षेत्र है सर, एनसीआर वाला जो क्षेत्र जो दूध की कमी होती है सर हमारी, अप्रैल के बाद दूध की कमी होनी चालू हो जाएगी। हाँ, सही बात है। तो सर उसमें क्या है कि जो सप्लाई वाले बंदे हैं, जो सप्लाई वाले बंदे उस टाइम पे अगर हमारे पास दूध की हम मतलब देख रेख अच्छी कर लेंगे तो उस टाइम दूध की कीमत हमारी की डबल मिल जाती है सर। अच्छा, उस टाइम पे। अच्छा, तो उसमें क्या है कि हमारी जो ये गाय है बड़ी, या तो उसमें या तो गर्मी को सहन नहीं कर पाती, और जो हम दो तीन जो गाय अगर रखे हम अच्छे से देख रेख कर ले तो उन गायों का दूध का रेट अच्छे मिल जाते हैं उस टाइम पे। अच्छा, जो हमारा 40,000 हो 55 लो 50 60 लो भी चला जाता है, चला जाता है 60 लो भी, तो उसका ये फायदा होता है। लेकिन बड़े स्तर पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते बड़ी गायों को। सही बात। तो इसमें थोड़ा बंदा जो है वही मतलब कामयाब है इसमें, जो घर गैल जिसकी सप्लाई है सर। अच्छा अच्छा। जो पोर्टर फैक्ट्री है तो गाय का जो सही फार्मों का जो टाइमिंग है सर वो अक्टूबर से लेके अक्टूबर से और अप्रैल तक का। अच्छा, क्योंकि प्रोडक्शन का और क्वालिटी अच्छी आती है ऐसे ना, और फैट बहुत अच्छा आता है। तो गर्मियों में कुछ खास ख्याल रखना होता है? हाँ, गर्मी में सर ये है कि गर्मी में थोड़ा उमस जो है सर, उमस जो है इनको परेशान करती है सर, बचा के रखना पड़ता है उसमें, मतलब हाँ पानी की व्यवस्था। अच्छा, मतलब दूध तो दे देती है उस टाइम पे भी, थोड़ा मैनेजमेंट में ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है उस टाइम पे। तो क्या गाय और भैंसों को अलग अलग देख रेख करते हैं कि एक ही में मतलब सब चलते रहता है? नहीं सर, अलग अलग होता है उनका। अच्छा, क्या भैंसों क्या स्पेशल होता है? भैंसों के लिए थोड़ा सा अलग से सानी लगवाते हैं थोड़ा सा। अच्छा, मैं इनका थोड़ा साइलेजर वो कर दिया। अच्छा, भैंसों को क्या है कि थोड़ा सा उसमें मुंजी की पुराल भी लगा दी, भूसा भी लगा दिया। अच्छा अच्छा। उसमें अपना बिलोने की खल भी ले ली। अच्छा, उधर से चोकर भी ले लिया और यूरासिंग वाला वैसा फीड भी ले लिया। अच्छा अच्छा। उसको मिक्स करके मतलब उसमें अलग से वो करते हैं सर। जी जी। क्योंकि जो भैंस है सर ये जो है थोड़ा सा ढीला बखाड़ा पसंद करती है, और गाय जो है अपना इस तरीके से केमा डाल दिया जब उठ रही है बैठ रही है, क्योंकि वो तो बंद ही रहेगी जाता। हाँ, सही बात है। खुलने पे सर उसमें दिक्कत आती है, दिक्कत आती है भैंस में, दिक्कत है। गाय तो अपने खुली अपने आप खा लेती है, खुले में ही इनका तो राज है। इनका तो खुले में है जी, खुले में ही है। अच्छा, फर्स्ट में भी आई, पहली ब्याह की है? पहली ब्याह। अच्छा, कौन सी सीमन की है ये? ये सर ये सीमन था, जर्मन का था, मैं नाम इसका भूल गया। अच्छा, इसका कितना मतलब लैक्टेशन कितना है सर? इसकी जो है मान चलो कि फर्स्ट में जो है ना सर, ये 40 प्लस जाएगी। 40 प्लस जाएगी? 40 प्लस जाएगी सर। थन भी उस तरह का है इसका? एक बार उधर देखो, ये सारी जो है ना अब ये फीड डाल रहे हैं तो उधर जा रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, अब इधर खड़ी हो गए। तो थोड़ा सा और भी पशुओं को दिखाएंगे, जैसे और भी कोई अच्छी, ये भी काफी ब्रीड में है। ये भी अच्छी ब्रीड में है सर जी, बहुत बढ़िया ब्रीड में है। हाँ जी, बहुत अच्छी ब्रीड में सर। इसने जो है सर ये 48 लीटर दूध दे रखा है। 68? हाँ जी, नहीं सर कितना? 48 दे रखा है। अभी कौन सा? अच्छा, अभी कौन सा ब्याह दिया सर? अब सर ये प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है कितने दिन की? अभी ये थोड़ा सा बीच में रिपीट मार गई थी। अच्छा, लेकिन अब ये प्रेग्नेंट 4-1 महीने की आ रही है सर। अच्छा, छोड़ दिया इसका? अभी दूध भी छोड़ दिया? दूध भी छोड़ दिया। अच्छा, बहुत अच्छी उसमें है सर। और उसके बाद अभी देखो ये है सर। अच्छा, ये हमारी जो है ना, इसकी क्या खासियत है जी? इसने 55 लीटर दूध दिया सर। अच्छा, 55 लीटर इसने दूध? 55 लीटर दूध सर। अच्छा, अभी कौन सी ब्यात में है ये जी? अब सर ये तीसरे में है। तीसरे में है जनरली। अच्छा, आप कौन से ब्यात में पशु रखते हैं? कौन कौन सी ब्यात की रखते हैं ज्यादातर सर? पशु तो देखो, अगर पशु की जो बॉडी स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ता है। अच्छा, जैसे पशु की मतलब अगर सही बॉडी बनी रहेगी तो उसे 4-5 ब्यात में कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, ये हमारी गाय है सर। अच्छा, ये वाली, इसने क्या है कि ये मुक्सर से भी नाम उठा रखा है इन्हें। अच्छा, हाँ जी, मुक्सर से नाम उठा रखा है। ये चैंपियन रही हुई है। ये चैंपियन है? हाँ जी, चैंपियन। इसने जो है 62 लीटर दूध। अच्छा, कौन सी ब्यात में है अभी ये? अभी ये तो सर 4-4 42 5वें प्रेग्नेंट अभी लग रही है क्या? हाँ सर, प्रेग्नेंट है अभी। अच्छा, ये मुक्सर की मतलब चैंपियन है। देखो ये तो मैं पहचान बताऊं सर थोड़ी सी जी, बताइए। दूध देने वाले की देखो, ये ब्लड लाइन है सर। जी जी, ये ब्लड वेन जो है। अच्छा, ये उसके मतलब ऑर्डर पे बहुत ज्यादा होंगी। अच्छा, तो इसकी विशेष पहचान है ये। और ये जो हमारी जो मिल्क वेन जो होती है, ये मिल्क वेन जो है ये बहुत घुमावदार, जैसे इसकी ये घुमावदार होती है, ज्यादा लंबी होंगी तो वे ज्यादा दूध देने वाली पशु होगा उसमें। और हाइट वगैरह में? हाइट में जो है HFP जितनी बिल्कुल सीधा होगा। अच्छा, स्ट्रेट जितनी सीधी होगी उतनी उसकी मतलब अच्छी ब्रीड में होगी। अच्छा, अभी अभी थोड़ा सा वैसे हो गई जी ये। चलो, बीच में मेल में आ गई थी ये। अच्छा, हाँ ना, तो बहुत ही, अब तक इन्हें कोई इंजेक्शन नहीं खाया जी, कभी इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन लाया, इतनी हेल्थी। और उसके अलावा और कौन सी पशु आपके पास अच्छी है, थोड़ी सी और दिखाएंगे? सभी तो अच्छी अच्छी दिख रही है। जी 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 सर, अभी देखो सर, ज्यादातर पशु हमारे
अब जैसे ये बछिया जी, अच्छा ये बछिया है ये फर्स्ट में जी प्रेग्नेंट है, ये प्रेग्नेंट है सर, ये जो है ये 40 लीटर पे जाएगी। अच्छा 40 लीटर पे जाएगी, फर्स्ट में 40 देगी जी पक्का। अच्छा और उसके अलावा अभी जो एक सामने, वो सामने, सामने, सामने हाँ, मिट्टी में है, वो मिट्टी में चलेगी। अच्छा पशुओं को आपने खोल करके क्यों रख रखा है? बहुत सारे लोग बांध के रखते हैं सर। खोल के क्या है कि पशु एक तनाव में नहीं आता। अच्छा जहाँ भी अपनी अच्छी जगह होता वहीं बैठता है। अच्छा अपनी पानी की जरूरत पड़ती है उसी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अच्छा तो पानी के लिए आपने इसमें कहाँ व्यवस्था बना रखी? पानी की सर वही उसके बराबर। अच्छा उसके बराबर में बना रखा है। अच्छा तो इसमें आप कितने परसेंट जो है पशु आप खुद तैयार करके रखे हुए हैं सर? अब ये मान चलो कि हमारा अब इसमें 50% अपने, 50% आपके अपने, 50% बाहर से, मतलब कहाँ से? सर ये हरियाणा से मंगाए थे, हरियाणा से, कुछ पंजाब से मंगाए थे, कुछ पंजाब से भी मंगाए थे। और एक आधी गाय जो हमें लोकल में दिखाई देगी, अगर अच्छी दिखाई देगी, क्योंकि अब हमें इतनी पता हो गया कि हम पूरे फार्म में से अच्छी गाय निकाल लेंगे। अच्छा इतना अनुभव हमें हो चुका। तो मतलब कि हरियाणा वगैरह से भी लाते हैं? लाए थे जी पहले, अब नहीं लेके आते। अब तो ज्यादातर हम अपने तैयार कर रहे हैं, अपने खुद ही तैयार, अपने खुद तैयार कर, क्योंकि क्योंकि सर कोई बाहर से देगा ना वो क्वालिटी नहीं देगा जी। सही बात है, अगर देगा तो उसके बहुत ज्यादा मतलब रेट मांगेगा। हाँ, वो कि फार्मर को मतलब हो नहीं पाता जी। जी जी थोड़ी सी अब हीफर्स वगैरह को भी दिखाएंगे आप। अच्छा ये तो आपने दिखाया इसको, ये वाली जो है सर कितने दिन की प्रेग्नेंट हो चुकी है? ये 4 महीने की आ गई सर। कौन सी ये, कौन सी सीमन की थी ये सर? ये 40/116 जी। और ये इसमें अभी कौन सा सीमन आपने लगा रखा है? इसको लगा रखा जी जर्मन का लगाया अब ये। अच्छा जर्मन का लगा रखा जी, इसको जर्मन का लगा रखा है सर। ये देखो जी इसका क्या है ये स्टेटस है ये पशु का? इसका भी दूध का रिकॉर्ड मतलब 55 लीटर का रिकॉर्ड है इसका। अच्छा इस तरह का पशु अगर देखा जाए तो कितने में मिल जाएंगे सर? सर देखो इस समय अगर ऐसा पशु है रेट अलग अलग होते हैं सर। अच्छा जैसे कि अगर हमारे नीचे 55 लीटर दूध निकाल रहा है तो उस टाइम पे इसकी कीमत करीबन ये मान चलो कि 2 लाख रुपए कम से कम है जी। तो 55 लीटर तो सर अगर देखा जाए तो पूरे क्या पूरे ब्यात में करती है या सिर्फ 24 घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर ही ना करती है वो, 24 घंटे 3 टाइम एनुअल की। अच्छा इसका जैसे आप इधर आ जाएंगे थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे जो ब्याने के कितने दिन तक वो पीक में रहती है? मैं जी मतलब दूध ज्यादा दूध देती, ज्यादा दूध देती है वो करीबन 3-4 महीने तक उनका लैक्टेशन पीरियड होता है जी। अच्छा जो 3 महीने का लैक्टेशन पीरियड होता है और सीमन लेने के बाद उसके बाद जो थोड़ा क्योंकि सीमन लेने के बाद थोड़ा सा हल्का डाउन होता है, डाउन हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है जो अच्छी ब्रीड है इनका मतलब 12-14 लीटर 18 लीटर तक भी छोड़ना पड़ा जी। अच्छा मतलब जो हमें इनका 18 लीटर पे भी मतलब ड्राई करनी पड़ी है। तो ड्राई कैसे करते हैं? कितने महीने पे ड्राई करते हैं? कितने महीने पे ड्राई करते हैं? हमें क्या है कि 7वें से स्टार्टिंग करते हैं। अच्छा और हम 7वें तक पूरा कम्प्लीटली मतलब ड्राई कर लेते हैं, मतलब 8वां 9वां 2 महीने तो बिल्कुल ही नहीं, तो 7 महीने एग्जैक्ट ड्राई कर देते हैं या फिर 7वें महीने में ऐसे जैसे कि हमारा 7वां महीना स्टार्ट हो गया तो उसके बाद जो हमारे 10-15 दिन यानी आधा उतर जाएगा जब उसके बाद हम क्या है कि पशु को जो है डिस्टर्ब कर देंगे, यानी कि एक टाइम चारा दे दिया, एक टाइम पानी नहीं दिया, उसे फीड कम कर दिया। कम से कम 1.5 से 2 महीने जो है आप उसे पूरा ड्राई पीरियड देते हैं उसे, यानी कि हाँ 2 महीने तो कम से कम देते हैं जी। उसके बाद फिर हम डाइट अपने ट्रांजिशन होता है, एक ट्रांजिशन है कंपनी का होता है वो चालू कर देते हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? उसमें क्या है कि सर उसके अंदर मल्टी विटामिन इनके अंदर रिक्वायरमेंट जितने भी मतलब पशु क्या होता है कि इन लास्ट में आकर तनाव मार जाता है तो वैसे वो बाहर से कुछ खा नहीं पाता तो उसके अंदर मल्टी विटामिन और अलग से जो मिनरल्स ये अलग ये होते हैं जो उसकी पूर्ति करते हैं। वो पशु को लास्ट टाइम दिया जाता है जब पशु ब्याने की कगार पे आता है 1 महीने पहले। हाँ एक महीने क्या पहले 2 महीने पहले कर दो, एक डेढ़ दो महीने पहले जब से आप ड्राई कर देते हैं उसे तब से उसे देना चालू कर देते हैं। कैसे करते हैं ये थोड़ा सा एक बी समस्या आता है, कैसे करते हैं थोड़ा सा उसमें भाई साहब? कुछ गाय तो हमारी ऐसी हो जाती है अपने देसी तरीके से ही। अच्छा देसी तरीके से कैसे? जैसे कि मतलब एक टाइम में हमने थोड़ी फटकड़ी भी दे देते हैं, थोड़ा सा एक टाइम में हमने भूसा डाल दिया, पानी नहीं पिलाया, एक टाइम में पानी पिला दिया, भूसा नहीं और कुछ नहीं डाला, मतलब फीड खत्म कर देते हैं जी। तो उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है तनाव में। अच्छा। फिर एक टाइम काट लिया आज, फिर कल नहीं काटा सुबह, परसों शाम के टाइम काट लिया, फिर 2 दिन नहीं काटा, फिर 1 दिन को काट में काट दिया। उसके बाद फिर एक ट्यूब आती है इनके मतलब लगाने की, वो ट्यूब लगाएगी ना और इनके थनों में क्या लगाएगा जो ज्यादा बड़ी दूध वाली है तो उसमें क्या है कि 70 दिन तक उसमें कोई डिफेक्ट मतलब कोई भी डिफेक्ट नहीं होता। अच्छा। किसी भी तरीके का सर तो 70 दिन तक उसमें थनों को सेफ रखती है वो इन्फेक्शन भी नहीं होने देती है, कुछ भी इन्फेक्शन नहीं होती और दूध को भी सुखाने में सहायक होती है, दूध को भी सुखाने में सहायक होती है। एक और देखिए जैसे पशु को क्या ब्याने के पहले कुछ स्पेशल फीड वगैरह दिया जाता है क्या ब्याने से पहले सर? हाँ देखो ये बात सबसे मेन है सर, पशु का ब्याना ही मतलब सबसे टर्निंग पॉइंट ही पशु का ब्यान है जी। बिल्कुल
उसी के ऊपर पूरे साल दूध देगा और उसी के ऊपर मतलब उसी से ही मतलब हमारा घट जाएगा। क्या है कि पशु अगर सही से ब्यागा तो सही पूरा दूध भी देगा और आगे से कंसीव भी होगा, सफाई मैला भी मतलब अगर सही से टाइम से निकलगा। जेल डालना भी सबसे बड़ा रोल है जी। अच्छा, जेल कब मतलब जेल नहीं, जो पशु जो मतलब सही से ब्यागा, जैसे कि पशु ये जो ट्रांजेक्शन चलता है ना सर, इसे खाने के बाद पशु आराम से मतलब जेल भी डाल देता है और आराम से ब्याता है। और इसे थोड़ी सी वह देते हैं इनमें, जैसे ये कैल्शियम की बोतल आती है सर, और अलग से एनर्जी वाले टोनिक आते हैं, एक आधा उन्हें डाल देते हैं। जैसे नॉर्मल किसान ब्याने के बाद बिलोना चना मेथी आदि पशु को छटाव के लिए डालता है, तो क्या आप भी उसी तरीके से डालते हैं? हाँ सर, उन्हें भी डालते हैं हम, उसमें थोड़ा अलग से डालते हैं, ज्यादा बिलोना नहीं डालते, ज्यादा घी नहीं डालते, क्या हमारे देसी उसमें ज्यादातर घी डाल देते हैं, देसी लोग घी डाल दो, घी क्या है कि इनके लीवर को टप करता है। अच्छा, हाँ, ज्यादा घी नहीं डालना चाहिए पशु को। कितनी मात्रा में होनी चाहिए घी? घी थोड़ा सा डाल दो, पहले डाल दो ब्याज से पहले। अच्छा, ब्याज से हाँ, थोड़ा बहुत डाल दो। ब्याज के बाद आप क्या देते हैं? जब पशु ब्याज जाता है, जेल डाल देता है, हाँ, तो छटाव के लिए कोई इंजेक्शन देते हैं? इंजेक्शन देसी तरीके से छटाव करवाते हैं, देसी तरीके से थोड़ा गुड़ वगैरह की मतलब गर्म करके उसमें गुड़ पिला दिया या गुड़ खिला दिया अलग से, तो डेली और अलग से इनके अलग से आते हैं प्रोडक्ट इनके, उन्हें डाल देते हैं जिससे इनकी एनर्जी बनी रहे। पाउडर मैन इनके अंदर पाउडर कैल्शियम आदि कुछ देते हैं? नहीं, कैल्शियम सर पहले दे देते हैं सर, ब्याने के बाद नहीं देते, उसके अलग से वो आती है कैल्शियम की दूसरी बोतल आती है, जैसे कि एक नाल नहीं होती है 300 ग्राम आती है, जैसे MXD की आती है, ट्रांसमिक्स आती है, और क्लोज जब आती है कई आती है इस तरीके की, उन्हें मतलब उसके लिए जिससे इनका जो डाउन टेम्परेचर डाउन ना हो, कैल्शियम ना टूटे भाई साहब। तो ब्याने के बाद आपका पशु कितने दिन में पीक पे जाता है दूध पे? दूध पे भाई साहब कम से कम 25 दिन लगेगा, जो बड़ी गाय है जी, जो बड़ी गाय है ना 25 दिन, 25 से एक महीने के करीब मान चलो पूरे दूध पे। तो डाइट कब देना स्टार्ट कर दें ब्याने के बाद? ब्याने के करीबन हम जो नहीं, वैसे तो हल्का डालो, हल्का दलिया वलिया दलिया डालते रहो थोड़ा बहुत, लेकिन जो ज्यादा डालना है वो डालना है हमें 25 दिन पे, फुल मतलब पूरी जो खुराक है वो 25, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो बड़ी गाय है सर, जैसे बच्चा होता है अंदर पेट में थोड़ा सा गाय के में कच्चापन होता है, ऐसे इनके बाक में होता है, तो ये फुल मतलब एक फुल उस पर दूध पाते हैं उस महीने में आती है, एक महीने में सर, बड़े वाली गाय जो है। अच्छी आपने सर जानकारी दी हमारे पशुपालक भी को, बहुत मतलब इससे सहायता मिलेगा, इसकी आपको तहे दिल से शुक्रिया सर। सर शुक्रिया, अभी आपको धन्यवाद सर, आपने हमारे जो सर आपने पूरे एक घंटे का समय दिया, इसके लिए भी आपको शुक्रिया। जी सर, कोई नहीं सर, हम आपने लिया तो कोई बात नहीं, जब आप जानकारी मांग रहे हैं सर। जी, अच्छा सर।